ओम नमो वेंकटेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। माता की अभी अष्टपन तिरुमंजनम में आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तजन, आप देख रहे हैं कि प्रातःकाल से माता अपने वाहनों पे विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रही थी। दर्शन देते हुए उस विधि में माता सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं इत्यादि होती हैं सभी की पूर्ति करते हुए अभी माता अपने अष्टपन तिरुमंजन में प्रवेश की हुई हैं। यह इससे अष्टपन तिरुमंजन इसलिए किया जाता है कि वाहन पे विराजमान होकर के जो दर्शन देने वक्त माता थक जाती हैं, भक्तों को दर्शन देते देते सभी की हालात पूर्ण करते करते, इसीलिए थकान दूर करने हेतु अभी अष्टपन तिरुमंजन किया जाता है। यह अष्टपन तिरुमंजन पंचामृतों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, पुरुषोक्त श्री सूक्तों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, जो वेद जानते हो, वेद के ऋचाओं का जिनको ज्ञान हो, देखिए किस प्रकार से क्रमबद्ध से लाइन से वैदिक पंडितगण, अर्चक जी महाराज इस कार्य को, अष्टपन को संपादन कर रहे हैं। अभी आप वेद मंत्र का आनंद लीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, मनन कीजिए, किस प्रकार से सस्वर वेद शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसाधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षाथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायश्च भाग्या लक्ष्मी प्रादुर्भूतस्मिरश्रेयस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे सत्यमसीमहे पशूनन्दोपमन्नस्य मयि श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी स्निग्धानि जिक्लि तव समे गृहे
च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले हस्ते पद्मालये पद्मधरायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमननकुले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रियै जातश्रिया निर्याय श्रियं वयोजहृद्रभ्यो दधातु श्रियं वसन अमृतत्वमयन् भवन्ति सद्य समिधा शक्रत्यं संधत्तं संधीयते प्रजया पशुभिः एवं वेदा महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भूमिर्भुवनैर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देव्यधिके किमन्नादमन्ना ध्याय प्रमीदसन मातरं पुनः पितरञ्ज प्रयां सुमः श्रद्धमविराजति वा पतङ्गयसि श्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपान ष्टरतिरोचना यज्ञं महिषस्वः यत्मा कृद्धः परो वपमन्युना तदवर्त्या सुकल्पमन्ये तत्त्व पुनस्त्व दीपयामसि यत्ते मन्युपरो पृथिवी मनोदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देव वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवच्च सपितृणा श्रद्धं
मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री हन देवी मत्स्यजी महाधरणी महर्व्यदेत्ता शृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सुरसिज इह वायुमती जलसजनी श्रियंधाराजा सद्यंधो परिमेदिनी स्वपरिधत्तंगाय विष्णुपत्नी महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखी वल्लभनुधरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि Shine.
वरुणः सन्न भवेत्पैषम सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिशं रतनवदिशं सत्यमवदिशं तन्नामवेत् तद्वक्तरमवेत् विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचेय चोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये ऋषिभ्यो मन्त्रमेभ्यो मन्त्रपदेभ्यो मामृषयो मन्त्रकृत मन्त्रपदय परादुर्माहमृषि मन्त्रकृतो मन्त्रपदे प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यश वदिष्ये तप वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादिपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयाय सम्प्राणपानौ मृत्यर्मापातं प्राणपानौ मामाशिष्टं मधुमनेष्ये मधुजनेष्ये मधुमेक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमदि देवेभ्यो वाचमद्यासकं शुश्रूषे भाई पितर न बदन्तो
स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
जायत पृथिवी सदेवा
Samba Bhova Samir
Yeah.
चक्षुष्पति श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति भवति आकाश शरीरं ब्रह्म ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदगं सर्वं पान्ते नैव पान्तज्ञस्पृणोतीति वामिति ब्रह्मा वामिति इदगं सर्वं वामित्येतदनकृतिहस्मव श्रावयन्ति ओमिति समनिगायन्ति वागं समिति शस्त्राणि सगं सन्ति ओमित्यध्वर्य प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति प्रवचने
प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यमचाराधेतरः तप इति तप नित्य पौरुषिष्टिः Yeah.
नमो वेंकटेशाय नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ जगदम्बा की आप यह श्नपन त्रिमंजन आप देख रहे हैं। प्रातः काल से माता अपने भक्तों को वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के दर्शन दे रही थी और अभी श्री सुक्त मंत्रों के द्वारा पंचामृत स्नान, अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से माता के संपूर्ण शरीर में श्रीगंध चंदन का लेपा गया है और ऊपर से तुलसी माला से अलंकृत किया गया हुआ है, आभूषित किया गया हुआ है और आरती उतारा ही जा रहा है और इस वैभव दृश्य को दूर दूर से भक्तजन इस मंडप में आकर के इस प्रमुख जो यह स्नपन है जिसमें दूध दही घी मधु इत्यादि सभी वस्तुओं के द्वारा इन्हें स्नपन किया जाता है मंत्रों के द्वारा, इसलिए अर्चक जी महाराज पंडित महाराज हिरण्यवर्णाम हरणिम सवर्ण रजस्त्रजाम इत्यादि श्री सुक्त मंत्रों के द्वारा सभी देवी देवताओं का उच्चारण द्योहो शांति चतुर्दश भवन इत्यादि सभी का जो उल्लिखित है वेदों में जो नामोच्चारण है उन सभी के द्वारा मंत्रों के द्वारा इस कार्यक्रम को संपादन करते हैं। प्रतिदिन यह स्नपन त्रिमंजन माता के वाहन उपरांत किया जाता है थकान दूर करने हेतु। पुनः माता स्नपन त्रिमंजन के बाद थकान दूर होने के बाद विश्राम में जाती हैं और पूरा संध्याकालीन रात्रि में दूसरे वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के भक्तों को यह जो दिव्य ब्रह्मोत्सव है कार्तिक ब्रह्मोत्सव, इस ब्रह्मोत्सव में प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न वाहनों पे विराजमान होकर के दर्शन देती हैं और दिन में यह मध्यान्ह काल वेला में इनको स्नपन किया जाता है। यह अद्भुत दृश्य बहुत ही पुण्य के बाद हमें देखने को प्राप्त होता है। कई जन्मों के बाद देखने के लिए हमें यह रूप धारण करना पड़ता है। मनुष्य रूप धारण करने के बाद ही हम यह अमूल जो यह दृश्य है भगवत का जो यह कैंकर्ज दृश्य है इस दृश्य को हम देखते हैं। पद्मावती अम्मावारी ब्रह्मोत्सव लीलमंगा जो त्रिचानूर में मैया विराजमान है पद्म के ऊपर और बहुत ही यहाँ पुष्करणी जो है सो अति
मनोहर दृश्य में देखिए किस प्रकार से भक्तजन इस दिव्य दर्शन के लिए त्रिमंजन अष्टपद में अपने आप को धन्य मानते हुए, यह मंदिर का मुख्य गर्भगृह है जिसे आप दूरदर्शन के माध्यम के द्वारा देख रहे हैं। कितना पवित्र यह समय है जो हमें इस दृश्य को देखने हेतु लोग बाग दूर दूर से आते हैं और आकर के देखते हैं। भगवान कितनी कृपा है, मैया जगदम्बा कितनी कृपा है जो अब हम घर बैठे जहां भी रहे दूरदर्शन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जहां भी हो मैया के इस मैया की जो यह लीला है, इन लीलाओं को हम देख सकते हैं और देख रहे हैं। क्या विज्ञान प्रगति किया हुआ है जिस प्रगति के कारण ही हम समयाभावात इस कलयुग में इस अमूल्य दृश्य का दर्शन हम आंखों के द्वारा करते हैं, क्योंकि शरीर में मुख्य अंग जो है वह नेत्र ही है और नेत्रों के द्वारा ही हम संपूर्ण जगत सृष्टि का, जो प्रभु ब्रह्मा के द्वारा रचित या सृष्टि है, उस सृष्टि के मनोरम दृश्य को हम देख पाते हैं। रूप आकृति सभी का हम वर्णन करते हैं, इन सब का मूल स्रोत नेत्र ही है, इसीलिए उस नेत्र के द्वारा आज हम अभी मध्यान्ह वेला में मैया की यह जो असीम लीला है कृष्णपन त्रिमंजन, जिसमें हम त्रिमंजन का अर्थ होता है रगर रगर के स्नान करना, इसीलिए यहाँ धूप दीप गंध माल्य आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनको मालाओं के द्वारा, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि के द्वारा सुसज्जित किया जाता है, सुशोभित किया जाता है और सुगंधित रंग बिरंग के चंदनों के द्वारा, श्रीगंध चंदन इत्यादियों के द्वारा मैया को सुसज्जित किया जाता है और सुसज्जित करने के बाद सभी दूध दही घी मधु शक्कर इत्यादियों के द्वारा, भिन्न भिन्न मंत्रोच्चारण के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यह कार्यक्रम संपादन किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से क्रमबद्धता के रूप में भक्तजन सश्रद्धा, क्योंकि यह जितने भी रूप हैं ये हमें कई बार के बाद देखने को प्राप्त होता है। यूं तो आजकल का जो संसार है, जो जगत सृष्टि है, लोगों के पास इतना समय नहीं है जो प्रभु के इस मैया के इस असीम जो यह कृपा है, इस कृपा में यह पूजा अर्चना में भाग ग्रहण करें। क्षण भर का समय देने के लिए आजकल लोगों के पास समय नहीं है, इसीलिए जब भी हो इस माया को त्याग करके हमें मैया के इस परमात्मा के नामों के उच्चारण, नाम संकीर्तन के द्वारा हम जहां भी रहें, जैसे भी रहे, जिस अवस्था में रहे, परमात्मा का नाम संकीर्तन, प्रभु का नाम संकीर्तन, मैया का स्मरण, जगत जननी के ध्यान हमें सदा सर्वदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। देखिए पुरुषः
त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो धौलै पुरुषः पादो स्नेह भव पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् सनानसने अभि तस्माद्विराज जायत विराजो अधिपुरुषः सजात अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथ पुरः यत्पुरुषेण हविषा पर्यायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीताद्यं पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिदा त्रवत्तममहद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ॐ।